गंभीर मामला है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार बिल्कुल भी महिलाओं के साथ हो रहे जघन्य अपराधों को लेकर गंभीर नहीं है, क्योंकि लगातार ये अपराध बढ़ रहे हैं। अपराधियों में किसी भी तरह का खौफ और डर हमें देखने को नहीं मिल रहा है, वरना हाथरस की घटना बहुत पुरानी अभी नहीं है, सितंबर 2020 की घटना जिसे आज 4 महीने होने वाले हैं। कहा जाता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि 7 दिन के अंदर अब तो फांसी और सजाएं होती हैं। उन्नाव का मामला हो, हाथरस का आरोपी हो, अभी भी हमारे बीच में जिंदा हैं। और अब इस घटना के बाद भी हमें लगता है कि बिल्कुल जांच होनी चाहिए, जो मेन आरोपी अभी तक नहीं पकड़ा गया उसके ना पकड़े जाने के पीछे कौन लोग हैं। क्या उन्नाव और हाथरस की घटना की तरह बदायूं में भी भाजपा के नेता इन आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं? शायद इसीलिए पुलिस मेन आरोपी को पकड़ने में जो है वो कामयाब अभी तक 3 दिन हो गए नहीं है। परिवार का आरोप है कि घटना स्थल पर पुलिस समय पर नहीं पहुंची। पीड़िता के परिवार का, जो हमारे बीच में अब नहीं है, उनके परिवार ने कहा कि FIR करने में देरी की गई। FIR में आत्महत्या दिखाने की कोशिश दबाव बनाया गया कि आत्महत्या बताया जाए। पोस्टमार्टम करने में 48 घंटे की देरी की गई, और 48 घंटे के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है सामने, तो इस बात का खुलासा होता है कि पीड़िता की सामूहिक पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार ही नहीं हुआ बल्कि उसकी निर्मम हत्या भी, कहते हुए हिम्मत जुटानी पड़ रही है कि उसके निजी पार्ट्स में रॉड्स घुसाई गई, उसकी पसलियां, उसकी टांगे तोड़ दी गई, उसे बिल्कुल मोहताज कर दिया गया और उसे कुएं के अंदर फेंक दिया गया। पुलिस कोशिश करती रही कि इस मामले को दबा दिया जाए, लेकिन सच्चाई छुपती नहीं है आज हम सबके सामने। और हम मांग करते हैं कि आज तीसरा दिन है, जल्द से जल्द अगले 24 घंटे के अंदर जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर केस मुकदमा चलाते हुए जो आरोपी है उन्हें फांसी के तख्तों पर पहुंचाया जाए। ये पूरी की पूरी जो जांच है इस मामले की वो हाई कोर्ट के सिटिंग जज के अधीन करवाई जाए। पीड़िता के परिवार को कानूनी मदद के साथ कांग्रेस की मांग है कि 50 लाख रुपए आर्थिक मदद तुरंत पहुंचाई जाए।